हेलो फ्रेंड, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन ज्वेलरी में। अभी इस टाइम में धूप जो है बहुत ही ज़्यादा होने लग गई है फ्रेंड। हमारे यहाँ तो बहुत ही गर्म गर्म लू चल रही है, गर्म हवा बहुत ही ज़्यादा चलती है, प्लांट्स बहुत ही मुरझा जाते हैं। उस गर्म हवाओं का प्लांट्स पे बहुत ही ज़्यादा असर हो रहा है फ्रेंड्स। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हार्डी प्लांट हैं जो बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं और फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। तो ये देखिए, टिकुम्मा मेरा फिर से फ्लावरिंग करने के लिए स्टार्ट हो गया है फ्रेंड। और ये देखिए, इधर सदाबहार है और बोगनविला, ये भी बहुत ही हार्डी फ्लावर है, प्लांट होता है, फ्लावरिंग प्लांट होता है, बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है। इतनी तेज़ धूप और गर्म हवाओं के बीच भी ये प्लांट बहुत ही अच्छे से चल रहा है। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रही है इंडोर प्लांट्स के लिए फ्रेंड। तो इंडोर प्लांट्स को भी बहुत ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। तो आज हम उसी पर बात करेंगे कि हम अपने इंडोर प्लांट्स को इतनी गर्म और लू से कैसे बचा के रख सकते हैं। तो देखिए, मैंने अपने सारे इंडोर प्लांट्स के लिए ऊपर से इस तरह से छाँ कर दिया है फ्रेंड, ताकि इन पर धूप जो है ज़्यादा डायरेक्ट ना पड़ सके। मेरे पास इतनी ज़्यादा जगह नहीं थी कि मैं इन्हें सभी को ले जाकर शेडी एरिया में रख सकूँ। तो प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा हैं इंडोर प्लांट्स मेरे पास में, तो मैंने इसी तरह से जुगाड़ करके ऊपर से इन देख सकते हैं आप, पुरानी चादर है उसी से मैंने इन्हें कवर कर दिया है। तो आपके पास जो भी शेडी एरिया है कहीं भी, आप इस तरह से जुगाड़ कर सकते हैं या फिर शेडी एरिया में भी ले जाकर इन प्लांट्स को फिलहाल रख दीजिए, जब तक कि गर्म हवा चलनी बंद नहीं हो जाती है। तो हमें अभी अपने इन सारे इंडोर प्लांट्स की बहुत ही खास देखभाल की ज़रूरत करनी पड़ती है फ्रेंड। तो आज हम मनी प्लांट के केयर के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने मनी प्लांट को अच्छे से हरा भरा रख सके, सुंदर रख सके और इस गर्मी से तेज़ धूप से भी बचा कर रख सकेंगे फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या करना चाहिए हमें अपने मनी प्लांट के ऊपर। मेरे सारे जो छोटे छोटे पॉट्स में लगे इंडोर प्लांट्स हैं फ्रेंड, आप देख सकते हैं। तो इसे मैंने छांव वाले एरिया में रखा है, थोड़ी देर की सुबह की एक आध घंटे की सुबह की धूप जो है इनमें लग जाती है, लेकिन पूरे टाइम इनमें छाया ही रहती है, बनी ही रहती है, क्योंकि यहाँ पे छाया है। देख सकते हैं ऊपर बहुत ही बड़ा पेड़ है, उसी के नीचे मैंने सारे प्लांट्स को रखा है फ्रेंड। धूप सुबह की ही मिलती है इनको। तो इस तरह से अभी अपने इंडोर प्लांट्स को शेडी प्लेस में अभी रख दीजिए फिलहाल कुछ समय के लिए। ये देखिए, ये है मेरा मनी प्लांट, इसे मैंने एक बड़े से टब में लगा के रखा है फ्रेंड। और देखिए कितना भूसी हो गया है, इसकी मैं टोपियारी बनाऊंगी क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा हो गई है। और ये देखिए, ये वाला मनी प्लांट, ये जो मनी प्लांट है इसे मैंने आप लोग से शेयर भी किया था फ्रेंड। और ये जो मॉस स्टिक है मैंने इसे बनाया था और आप लोग से बताया भी था मॉस स्टिक कैसे बनाया जाता है, और उसका वीडियो भी आप लोग से शेयर किया था। देख सकते हैं मेरा जो मनी प्लांट है कितने अधिक तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, बहुत ही अच्छे से इसमें ग्रो हो रहा है। ये मॉस स्टिक पे मैंने इसे लगा दिया है फ्रेंड। तो अभी इस टाइम में इतनी ज़्यादा गर्म हवा चल रही है और धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हमें अपने मनी प्लांट की खास केयर की ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड। तो चलिए मैं वही बताती हूँ जो मैं टिप्स अपने मनी प्लांट पे ऊपर फॉलो करती हूँ, वही सब आप लोग से शेयर करूँगी फ्रेंड। तो अपने मनी प्लांट को या किसी भी इंडोर प्लांट को अभी डायरेक्ट धूप में तो बिल्कुल भी नहीं रखना है, उसे शेडी प्लेस में रख दीजिए ताकि उसके पत्ते जो हैं वो जलेंगे नहीं धूप से उनके पत्ते भी, और गर्म हवा से इनके पत्ते पीले हो जाते हैं और जल जाते हैं, फिर प्लांट्स हमारा देखने में सुंदर नहीं लगता है। तो इसलिए इसे आपको अभी शेडी एरिया दे देना चाहिए। गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ रही है फ्रेंड, तो हम अपने प्लांट्स को, मनी प्लांट को कौन सी ठंडी ठंडी खाद दें ताकि हमारा प्लांट्स हरा भरा रहे और देखने में भी सुंदर लगे। तो देखिए इस तरह से मैंने बनाकर रखा है फर्टिलाइज़र, इसमें एलोवेरा है, एलोवेरा बहुत ही अच्छा ठंडक प्रदान करेगा हमारे मनी प्लांट को। और इसमें चाय की पत्ती है, ज़्यादा हो रही है तो एक रात काफ़ी है इस फर्टिलाइज़र को बनने के लिए। तो पूरे रात तक आप इसे इसी तरह से पानी में रख दीजिए तो अच्छे से ये फर्टिलाइज़र हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। इसे छानकर स्प्रे बोतल में भर के और हम उसे अपने मनी प्लांट को दे सकते हैं। अरे, गर्मी में बहुत ही अच्छा वर्क करती है हमारे मनी प्लांट के ऊपर या फिर सभी इंडोर प्लांट्स के ऊपर। तो देखिए मैंने इसे स्प्रे बोतल में भर लिया है फ्रेंड, और इस तरह से हमें अपने मनी प्लांट के ऊपर या किसी भी इंडोर प्लांट्स के ऊपर ये जो फर्टिलाइज़र रेडी करके रखा है उसका स्प्रे सुबह शाम करना है फ्रेंड। अगर आप इस तरह से स्प्रे नहीं भी करते हैं तो सादे पानी का भी स्प्रे आपको अपने मनी प्लांट के ऊपर ज़रूर करना चाहिए। सादे पानी का भी बहुत ही अच्छा असर पड़ता है हमारे मनी प्लांट को, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत ही ज़्यादा तेज़ है तो इनके पत्ते जलेंगे नहीं और सुंदर भी बने रहेंगे। तो इस तरह से हमें अपने मनी प्लांट के ऊपर करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसका यूज़ हमें अपने सभी इंडोर प्लांट्स पर करना है फ्रेंड इस टाइम में। और अभी इस टाइम में आपको अपने सभी प्लांट्स के जो पीली पत्तियाँ पड़ चुकी हैं, ख़राब हो चुकी है, सूख रही हैं, तो उसे भी हटाते जाइए। अगर उसे आप नहीं हटाएंगे तो सभी प्लांट्स की पूरी पत्तियाँ जो हैं वो पीली कर देगा। तो इस टाइम में आप अपने सभी इंडोर प्लांट्स को, मनी प्लांट्स को धूप से बचाकर रखें और शेडी प्लेस में रखें, और इस तरह से उन पर सुबह शाम सादे पानी का भी छिड़काव करते रहें। और ये फर्टिलाइज़र तो बहुत ही अच्छा इफेक्टिव है, इससे आपके सभी प्लांट्स जो है अच्छे ग्रोथ करते रहेंगे फ्रेंड। तो बहुत ही अच्छा है।